ये दानिश आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे, फिल वक्त शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई को अगर इलेक्शन में हिस्सा लेने से कानूनी तौर पर रोका गया तो उन्हें रिलीफ देना हमारे मैंडेट से बाहर होगा। बीबीसी को इंटरव्यू में निगरा वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई का मुकाबला फौज से नहीं बल्कि रियासत से है, पीटीआई के साथ सख्ती नहीं बरती जाएगी, तहम मनफी सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि नवाज शरीफ के पाकिस्तान वापस आने की सूरत में उन्हें जेल भेजने से मुतालिक वजारत कानून से राय मांग ली है और इस सिलसिले में इजलास भी तलब किया है। इमरान खान साहब के सजा के हवाले से भी मैंने इशारतन ये नहीं कहा, जो कहने का मेरा मकसद है वो ये है कि जो अदालती निज़ाम में जितने भी मौाक़े आपके पास हैं, अगर उन मौाक़ों के बाद भी कानून के तहत उनको इलेक्शन से रोका गया तो ये हमारे मैंडेट से बाहर है कि हम उनको कोई रिलीफ उसमें दे सके। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ कतन कोई सख्ती नहीं बरती जाएगी, हाँ उन लोगों के साथ कानून के मुताबिक ज़रूर रवैया रखा जाएगा जो ऐसी मनफी सरगर्मियों में पाए गए और वो मखसूस अफराद हैं। जहाँ तक आप के सवाल का दूसरा पहलू है जनाब नवाज शरीफ साहब की तरफ, वहाँ पर भी हम चाहेंगे कि कानून ही अपना राह और अपना रास्ता खुद चुने। सियासी तौर पे वो एक जमात के सरबराह हैं, ये फैसला अदालतों ने ही किया है। एक सजाए याफ्ता शख्स ही को अदालतों ने इजाज़त दी थी, एग्जीक्यूटिव ने नहीं दी थी। वजारत कानून को हमने कहा है कि इसमें जो निगरान हुकूमत होगी उसका जो इंतज़ामी रवैया होगा वो क्या होना चाहिए कानून के मुताबिक, एक मीटिंग भी कॉल करेंगे और उसमें इन सवालात पे दोबारा गौर होगा। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद देखिए।